खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन जो एक वर्ष के बाद 5% गिर गया, दूसरे वर्ष के बाद 8% और शुरुआत में उसकी सैलरी 80,000 थी तो वर्तमान में कितना था? देखो स्टार्टिंग में उसका जो सैलरी था 80,000 था, पहले वर्ष 5% गिरा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, 20 में से एक घट गया कितना बचा 19, 19/20। अब देखो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/25, 25 उसका ओरिजिनल वैल्यू थी, इसमें से 2 माइनस हो गया यानी कि कितना बचा आपका 23/25। अब इस 80,000 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, आसान होगा, इसको मैं लिखता हूँ 80 फिर इंटू 100 और इंटू 10, ठीक है। अब 80,000 हो जाएगा ना। अब मैं ये बोलूँ 5 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, और 4 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, और 5 से कटेगा 2 बार में। तो जो मैं कैलकुलेट करना 80 × 2 कितना हो जाएगा 160 × 19 × 23। अगर हम यूनिट डिजिट करें तो 0 आएगा, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऐसे भी अगर मैं करूँ 19 × 114 यानी कि 19 × 6 करेंगे 114, और 11 + 19 कितना हो जाएगा 10, 2 और 1 3, ठीक है 30 होगा ना। तो 0 यहाँ पर बचेगा 3, सॉरी, ठीक है ये हो जाएगा आपका 160 में अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और हमें मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो भाई कितना आ जाएगा ये 0 2300 का 92, 2 आना चाहिए, 2 तो सब में है, 2300 का 92, 2 9 यानी कि 920 होना चाहिए भाई, 920 किसमें है, 920 इसमें भी, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ से 0 2300 का 92 और 9 23 69 69 यानी ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं होगा। तो जो उसका करेंट में सैलरी होगा पूरा घटने के बाद में कितना 69,920 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए।